नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक एनिमेशन फिल्म के बारे में बताऊंगा जो 1992 में जापान और भारत ने मिलकर बनाई थी और उसी की एक संस्कृत गीत जो मैंने क्योतो जापान में 2015 में साल में गाया था उसको भी सुनाऊंगा और साथ ही इस गाने का अनुवाद और कुछ जापानी शब्दकोश भी इस गीत के द्वारा बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एनिमेशन फिल्म का नाम है रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। जापानी भाषा में इसका नाम रखा गया रामायना, रामा ओजी देनसेत्सु। ओजी का मतलब राजकुमार और देनसेत्सु का शाब्दिक मतलब हिंदी में दंत कथा है, परंतु यहाँ पे भारतीय महाकाव्य रामायण को दर्शाता है। यह एनिमेशन फिल्म जापान के युगो साको द्वारा निर्देशित और निर्मित फीचर फिल्म है। युगो साको NHK यानी निप्पन होसो क्योकाई, जो कि जापान की सरकारी प्रसारण संगठन है, उसमें वर्षों काम किया और भारत के सभ्यता और संस्कृति से काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके कारण युगो साको जी वे रामायण को एनिमेशन फिल्म के तौर पर बनाना चाहते थे ताकि पूरे विश्व में इसकी महत्ता के बारे में ज्ञात हो सके। यह फिल्म भारत जापान राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के समय में बनाना शुरू किया गया था और दोनों देशों की टीमों ने इसमें काम किया था। इस फिल्म के सभी गाने संस्कृत और हिंदी में बनाए गए हैं, दोनों ही अच्छे हैं, पर संस्कृत में इन गीतों का विश्लेषण कम है। तो उन्हीं में से यह गीत वन उपवन सम कूपीना अंतर, यह गीत जब श्री राम लक्ष्मण और माँ सीता अपने 14 वर्ष के वनवास के समय जब वे पंचवटी वन में थे उस समय के बारे में है। इस गीत में माँ सीता पंचवटी वन में उनके रहने का अनुभव वर्णन करती हैं। तो इस गीत का अंग्रेजी, हिंदी और जापानी में अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। वन उपवन सम कूपी न अंतर, स्वागत हेतु अहर निष्डोलित, लोहित नव पल्लव कर, कूपी न अंतर कूपी न अंतर। इसका मतलब वन और उपवन में कोई अंतर नहीं रहा। आमतौर पर जंगल कठिन परिस्थितियों से भरे होते हैं, लेकिन यह पंचवटी वन एक आरामदायक जगह बन गया है जो एक बगीचे की तरह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पवन द्वारा लगातार हिलती हुई कोमल लाल रंग की नई पत्तियां हमारा स्वागत कर रही हो। इसलिए इस जंगल और एक आरामदायक बगीचे में कोई अंतर नहीं रहा। सुमन पल्लवित मनोभाव इव लतावितान छत्र चामरीव चारण गायन सुकपिक सारित मधुर स्वरालिनी रंतर समंत सुखकर समंत सुखकर। हमारा मन इस वन के नवोदित फूलों की तरह आनंदमय हो गया है। लता वृक्ष से मिलकर मानो एक छतरी और चामर की तरह हो गई हो, क्योंकि वे छाया और सुखद हवा हमें प्रदान कर रही हैं। तोते और कोयल के सुरों का सार मानो जैसे देवताओं के गायकों के गीतों की तरह सुनाई दे रही हो और मधुमक्खियों के गुंजन बहुत ही मधुर सुनाई दे रही हो। यह पूरा वातावरण हमें सुख प्रदान कर रहा है। पंजर पालित शुकी कदाचित मुक्ति लाभ वरदान अयाचित सुख साधन अति सुलभ वनेह जीवन नहीं बंधन कर अतिशय शुभ कर। पिंजरे में बंद तोते ने जो एक बार पिंजरे से बाहर निकलने के लिए कामना की थी वो कामना अब पूर्ण हुई। इस वन में सुख के सभी साधन सहज रूप से उपलब्ध हैं। इस वन में जीवन बंधन नहीं है, जीवन मुक्त और सुखी है। राजगृहम वा कुटजम दीनम सघन तरुतले छाया शयनम उपधानीयम कांत भुजा यदि तरही गाढ़ सुख निद्रा भर। महल हो या झोपड़ी, जंगल में बनी यह झोपड़ी महल की तरह आलिशान लगती है। इस वन में हम घने वृक्षों की छाँव के नीचे विश्राम लेते हैं। जब भगवान श्री राम की भुजाएं तकिए बन जाती हैं
उस समय नींद और भी गहरी और सुखद हो जाती है। वन और उपवन का अंतर मिट गया। तो ये था हिंदी में इसका अनुवाद। अब चलते हैं कुछ शब्दकोश के बारे में जानने के लिए। वन अंग्रेजी में फॉरेस्ट और जापानी भाषा में इसे मोरी कहा जाता है। उपवन अंग्रेजी में गार्डन और जापानी भाषा में ते इन कहा जाता है। लोहित अंग्रेजी में रेडिश, जापानी भाषा में आकामी गाकारू। नव अंग्रेजी में न्यू, जापानी भाषा में आताराशी। सुमन अंग्रेजी में फ्लावर, जापानी भाषा में हाना। छत्र अंग्रेजी में अम्ब्रेला, जापानी भाषा में कासा। शुक अंग्रेजी में पैरट, जापानी भाषा में ओम। पिक अंग्रेजी में कुक्कू, जापानी भाषा में कक्को। जीवन अंग्रेजी में लाइफ, जापानी भाषा में जिनसे। राजगृहम अंग्रेजी में पैलेस, जापानी भाषा में क्यूदेन। कुटजम अंग्रेजी में हट, जापानी भाषा में कोया। उपधानियम अंग्रेजी में पिलो, जापानी भाषा में माकुरा। और अंत में निद्रा अंग्रेजी में स्लीप, जापानी भाषा में नेमोरी। और अब सुनते हैं ये गीत मेरी आवाज में। वन उपवन सम कूपिन अंतर, वन उपवन सम कूपिन अंतर, स्वागत हेतु अहर्निश डोलित, लोहित नव पल्लव कर कूपिन अंतर, कूपिन अंतर। सुमन पल्लवित मनोभावैव, लतावितान क्षेत्र चमरेव। चारण गायन शुकपित सारित, मधुर स्वराली निरंतर। समंत सुख कर, समंत सुख कर, पंजर पालित शुकी कदाचित, मुक्ति लाभ वरदान अयाचित। सुख साधन अति सुलभ वनेह, जीवन नहीं बंधन कर। अतिशय शुभ कर, अतिशय शुभ कर। राजगृहं वा कुटजं दीनं, सघन तरुतले छायाशयनम्। उपधानीयं कांत भुजा यदि, तरहि गाढ़ सुख निद्रा भर। वन उपवन सम कूपिन अंतर, वन उपवन सम कूपिन अंतर। तो दोस्तों कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।